आई थिंक द लास्ट टाइम हमने कोई सीरीज करी थी तो वो तब था जब डालगोना इतना ज़्यादा फेमस हो गया था। पर ना रिसेंटली मैंने वॉफल मेकर ख़रीदा और मैंने ब्राउनी के वॉफल से वॉफल बनाया था, तो मैंने सोचा क्यों ना अलग अलग चीज़ों से वॉफल बनाने का ट्राई करें। तो ये वाला हमने पिज्ज़ा से बनाया है। तो टेल मी, शुड बी डू लाइक अ 30-day वॉफल मेकिंग चैलेंज? मतलब आप लोग कमेंट करके बताओ किस किस चीज़ का वॉफल बनाने की ट्राई करना चाहिए और मैं वो बनाऊंगी, ठीक है। सो ये तो बहुत अच्छी तरह बन गया था, मतलब शेप भी आ गई थी। फिर इस पर ओरिगैनो चिली फ्लेक्स डाल के बस एंजॉय। तो गेस करो आज हमने किस चीज़ का वॉफल बनाया है। सो दिस इज़ बेसिकली डे टू ऑफ आर 30-day वॉफल चैलेंज। आप लोगों ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया था कल, तो आप लोग ना सजेस्ट करो कि किस किस चीज़ का वॉफल बनाना चाहिए, तो मैं जिसका भी आइडिया यूज़ करूँगी उसको शाउट आउट दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यूज़ करा समोसे का वॉफल एंड आई वॉज वेरी स्केयर्ड कि ये शेप रखेगा नहीं रखेगा, बट लुक इट टर्न आउट सो वेल। मतलब बाहर की जो लेयर थी उसकी वजह से बाहर क्रिस्पी था और अंदर मतलब मस्त आलू का टेस्ट आ रहा था। एंड देन देर इज़ हरी चटनी और हमारा सौंठ और प्याज। यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस आउट। सी यू लेटर एलिगेटर। छोले भटूरे या पाव भाजी, पिक वन। ऑल्सो शुड बी मेक पाव भाजी का भी वॉफल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने भटूरा रख दिया और छोले भी रख दिए। बाय द वे दिस छोले भटूरे इज 100 rupees का और मेरी फेवरेट दुकान से है बैंगलोर में, जिसका नाम भी मुझे नहीं पता, मैं मोस्टली वहीं पे जाके खाती हूँ। बट एनीवे दिस वाज अ सक्सेस, मतलब बहुत अच्छा वॉफल का शेप आ गया और इसके ऊपर बचे हुए छोले डाल दिए एंड इसका टेस्ट भी काफ़ी सही था। मतलब इस पर चटनी डाल के एंजॉय कर सकते हो आप लोग। एंड ओ, दिस इज़ डे 3 ऑफ आवर 30-day वॉफल चैलेंज। व्हाट शुड वी डू नेक्स्ट? बाय बाय। तो आज है डे 4 ऑफ आवर 30-day वॉफल चैलेंज और हम बना रहे हैं फ्राइज का वॉफल, जो आइडिया क्रेडिट जाता है नेत्रा पटेल को। तो मैंने मैकडोनल्ड्स के 2 मीडियम फ्राइज ऑर्डर करे थे, ठीक है, और वॉफल कर दिया। आई टेल यू वन थिंग, एक तो वॉफल करने के बाद इन फ्राइज़ के अंदर से इतना ज़्यादा तेल निकला, मतलब वॉफल में इतना सारा तेल बचा हुआ था। आई वाज लाइक ओ माय गॉड, जब हम फ्राइज़ खाते हैं इतना तेल होता है इनमें। एनीवेज, इसका शेप बना बट पूरी तरह नहीं बना। मतलब व्हाट डू यू गाइस थिंक, वाज दिस अ सक्सेस या फेलियर? कमेंट सेक्शन में बताओ और अपने सजेशंस भी बताओ मुझे। डे 5 ऑफ आर वॉफल चैलेंज और अब हम मैकडोनल्ड्स का आलू टिक्की बर्गर से बनाने की कोशिश करने वाले हैं। तो सबसे पहले वॉफल पैन में थोड़ा सा बटर डाला और आप लोग मुझे बताओ आपको अपने बर्गर में टमाटर अच्छे लगते हैं कि नहीं। हर बंदों को नहीं अच्छे लगते तो मैंने सोचा एक वीडियो के लिए हटा देता है, ठीक है। एंड आई वॉज नॉट श्योर अगर इसका वॉफल बनेगा कि नहीं, क्योंकि बर्गर इतना बड़ा होता है, बट लुक उस इतना सुंदर लग रहा है, बीच में क्रैक्स बहुत सही लग रहा है एंड इट टेस्टेड एग्जैक्टली लाइक अ बर्गर। तो ये आप भी ट्राई करना और लेट मी नो योर सजेशन। जब से वॉफल चैलेंज शुरू करें ना, सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट मैगी के आ रहे हैं, बिकॉज पीपल लव मैगी सो मच। तो मैंने सोचा ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने 2 मैगी बनाई, मसाला वगैरह भी डाल दिया और सारा पानी सुखा दिया ताकि मतलब वॉफल आयरन में जाके क्रिस्पी सा हो जाए। और 2 मैगी वॉज अ परफेक्ट क्वान्टिटी फॉर बोथ द वॉफल्स, ठीक है। इसको ना कुक होने में कुछ 3-4 मिनट्स लगे, बट वो गोल्डन कलर देखो, ऊपर इतना मस्त वॉफल बना है, इतना सही शेप आया ना, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। एनीवेज, इस वीडियो का आइडिया क्रेडिट गोज़ टू DIY क्राफ्ट्स एंड स्टूडियोज। एंड मैगी लवर हो तो वीडियो लाइक करे बिना मत जाना। सी यू लेटर एलिगेटर। तो टुडे इज़ डे 7 ऑफ आर वॉफल चैलेंज और पास्ता को बना रहे हैं, बट आई वाज लाइक सिर्फ व्हाइट सॉस का क्यों, व्हाइट और रेड दोनों का बनाएंगे। तो ये ना मैंने फ्रीज़र में रख दिया था थोड़ी देर ताकि ये अच्छे से चिपक जाए पास्ता एक दूसरे से। और फिर मैंने रेड सॉस एक साइड डाला, व्हाइट सॉस दूसरी साइड डाला एंड दिस टुक अ लॉन्ग टाइम टू कुक। मतलब मे बी बिकॉज पास्ता में सॉस काफ़ी होती है ना, बट ये आराम से निकल गया। आई वॉज स्केयर्ड के टूट जाएगा। वाइट वाला तो आराम से निकल गया, रेड वाला थोड़ा थोड़ा टूट गया, बट एनीवेज ये काफ़ी मस्त था, आप ट्राई कर सकते हो एंड मुझे वॉफल की और सजेशंस भी देना। तो आज है डे 8 ऑफ आर 30-day वॉफल चैलेंज और हम बनाने वाले हैं मोमोज़ के वॉफल। इसमें से ना एक फेल हो गया था और एक सक्सेस था, मतलब फ्राइड और स्टीम्ड में से। आप गेस करो कमेंट सेक्शन में कि कौन सा सही बना था, ठीक है। तो मैंने दोनों साइड पे कुछ 10-12 मोमोज़ डाले और इसको प्रेस कर दिया और पता है इसी वीडियो से बिल्कुल पहले इसका हैंडल टूट गया था। अभी देखने में दोनों ठीक है, बट ये जो स्टीम वाला था ना वो तो अच्छे से निकल गया, बट जो फ्राइड वाला था वो नहीं अच्छे से निकला, तो मैंने वो वीडियो से हटा ही दिया। बट एनीवेज, लेट मी नो योर सजेशन।
तो आज है डे 9 ऑफ आवर 30 डे वॉफल चैलेंज और इतने सारे सजेशंस आए गुलाब जामुन का बनाने की, तो मैंने सोचा कि इंस्टेंट गुलाब जामुन मिक्स ले लेते हैं। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका डो बना दिया और मैंने ना थोड़े से ऑयल से ब्रश कर दिया, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं ये चिपक ना जाए हमारे वॉफल मेकर से। उसके बाद साइड पर चाशनी बना दी, मतलब शुगर और पानी की। पता है लेकिन गुलाब जामुन के बॉक्स पर लिखा था, मतलब जो इंस्टेंट मिक्स था, कि उससे आप कोफ्ते भी बना सकते हो। क्या आप लोगों को ये बात पता थी? ठीक है, एनीवेज हमने हमारे वॉफल को चाशनी में डुबो दिया कुछ एक घंटा एंड दिस टेस्टेड जस्ट लाइक गुलाब जामुन और थोड़ा हेल्दी भी कह सकते। तो डे 10 ऑफ आवर 30 डे वॉफल चैलेंज में हम ना एक फेवरेट चीज़ बनाना चाहती थी, डोसा का वॉफल, क्योंकि मतलब मैं ऑलमोस्ट अपनी पूरी ज़िंदगी चेन्नई में ही रही हूँ, तो डोसा का वॉफल करे बिना ये सीरीज़ तो ख़त्म हो ही नहीं सकती थी। तो हमने आईडी का डोसा बैटर लिया और ये 2 मिनट में बन गया। पता नीचे से हल्का हल्का चिपक रहा था पहला वाला, पर दूसरा वाला बड़े आराम से निकल गया वॉफल। और मेरे पास सांभर चटनी कुछ भी नहीं था, कज मैं बहुत लेज़ी इंसान हूँ, तो मैंने इसके ऊपर सिर्फ पौड़ी डाल दी एंड इट टेस्टेड जस्ट लाइक डोसा। आप ट्राई कर सकते हो ये डेफिनेटली। सी यू लेटर एलिगेटर। गेस करो कि आज किस चीज़ का वॉफल बनाया। तो आज है डे 11 ऑफ आवर 30 डे वॉफल चैलेंज और सब्वे का बनाया। बाय द वे, किस किस को सब्वे के अंदर घुसते ही एंग्जाइटी होने लग जाती है, सबसे पहले कौन सा ब्रेड, उसके बाद कौन सी फिलिंग, उसके बाद चीज़ डालो या ना डालो, ब्रेड को टोस्ट करो या ना टोस्ट करो, हमेशा इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है ना। बट मैंने एक हैक ढूंढ रखा है, अगर आप लोग वो जानना चाहते हो सब्वे का हैक तो कमेंट करके बताना। और ये 3 सब्वे से बनाया मैंने वॉफल और बहुत मस्त बन गया यार, डेफिनेटली ट्राई इट आउट और वॉफल के सजेशंस भी बताते जाना। तो आज है डे 12 ऑफ आर 30 डे वॉफल चैलेंज और हमने लिए हैं मैकडोनल्ड्स के मैक पफ और इसमें मैंने लगाए 4 नीचे और 2 को छोटा छोटा तोड़ के ऊपर लगा दिया, ठीक है, और फिर इसको बना दिया। बाय द वे, पता है बचपन में मेरे को ये इतने ज़्यादा पसंद थे कि मैं मैकडोनल्ड्स जाती थी और सिर्फ ये खाती थी। और पता है दिल्ली के मैकडोनल्ड्स में ना एक टेडी वाली गेम भी होती थी, वो भी खेलती थी। हैव यू ट्राइड दैट? अब इस वीडियो को वायरल करना आप लोग के ऊपर है, क्योंकि मैंने ये कमेंट देखा कि ट्राई ओरियो वॉफल एंड वी विल गिव यू 1 मिलियन लाइक्स, तो मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, ठीक है। तो मैंने सोचा कि ओरियो को मैश करके बनाएंगे तो ओरियो दिखेगा नहीं, तो इसलिए मैंने पैनकेक मिक्स डाला और उसके ऊपर ओरियो को हल्का सा पानी में डिबो के डाल दिया और कुछ 5 मिनट रख दिया, फिर इतना मस्त बना, मतलब आप सेंटर में देख सकते हो ओरियो लिखा हुआ भी दिख रहा है एंड इसके ऊपर मेपल सिरप डाल के ट्राई करो, क्या मस्त लगेगा। ओ बाय द वे, दिस इज़ डे 13 ऑफ आवर 30 डे वॉफल चैलेंज और अपने और भी सजेशंस बताओ। तो दिस इज़ द मोस्ट अवेटेड वॉफल सीरीज़ का वीडियो, पानी पूरी जो मेरा फेवरेट है एंड आई एम प्रिटी श्योर आप सबका भी फेवरेट है। तो डे 14 है हमारा वॉफल चैलेंज का, तो हमने पूरियों में थोड़ा सा पानी और आलू डाल दिया और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। सबसे पहले तो आप लोग गेस करो कि इसका वॉफल बना के नहीं, 3 सेकेंड है, ठीक है, 3, 2, 1 एंड ये बन गया। मतलब वो पूरियों की वजह से क्रिस्पी था और आलू का टेस्ट आ रहा था और पानी की वजह से स्पाइसी भी था। एंड इफ़ यू आर अ स्पाइस लवर ना, तो इस वीडियो को लाइक करना एंड शेयर विद पानी पूरी लवर्स ऑल। तो ये रहा हमारा डे 16 ऑफ आवर 30 डे वॉफल चैलेंज जो हम स्माइली से बना रहे हैं। एंड पता है इस वीडियो से आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि जो हम फ्रेंच फ्राइज या फ्राइड स्नैक्स खाते हैं ना उसमें कितना ज़्यादा तेल होता है। तो मैंने एक पैकेट स्माइलीज बनाया और इसको वॉफल मेकअप में डाल दिया, ठीक है। इट टुक अबाउट 4 to 5 मिनट्स, बट जैसे ही मैंने खोला ऊपर देख रहे हो इतना ज़्यादा ऑयल निकला था इसके अंदर से, विच इज़ लाइक क्रेजी। मतलब सोचो हम ही इतना सारा ऑयल खाते हैं हर बार हम फ्राइड स्नैक्स खाते हैं, बट चलो वॉफल तो सक्सेसफुल था। तो आज है डे 16 ऑफ आवर 30 डेज वॉफल चैलेंज और 15 डेज तक हमारा वॉफल मेकर ने हमारा बहुत साथ दिया, ठीक है, बहुत अच्छे से चला। तो अब हमने लेज का वॉफल बनाया है, ग्रीन और ब्लू कलर, आपको कौन सा ज़्यादा पसंद है ये बताओ। बट ना इसको जब मैं प्रेस कर रही थी ये टूट गया हमारा वॉफल मेकर, तो आधा चैलेंज एक वॉफल मेकर से हुआ और दूसरा आधा आई गेस नए वॉफल मेकर से होगा। एनीवेज दिस वाज अ सक्सेस एंड बहुत टेस्टी था, ट्राई कर सकते हो। बाय।
तो आज है डे 17 ऑफ आर 30 डेज वॉफल चैलेंज और आप लोग ने इतने सारे डीएम्स और कमेंट्स करे कि मंचूरियन का बनाओ, तो आई ऑर्डर्ड मेरा फेवरेट गोभी मंचूरियन। बाय द वे, आपका कौन सा फेवरेट मंचूरियन है ये बताओ। तो ना पूरा बॉक्स वैसे ही एक दूसरे से चिपका हुआ था, तो मैंने एक एक बॉक्स दोनों साइड्स पर डाल दिया और ड्यू रिमेंबर हमारा वॉफल मेकर टूट गया था, इसकी तो बहुत ही गंदी हालत हो गई। एनी वेज, इस वीडियो के बाद आई एम प्रॉबेबली गोइंग टू गेट अ न्यू वॉफल मेकर, क्योंकि मेरा हाथ जल गया था इसमें से, मतलब वॉफल मेकर को बंद करते करते। बट दिस गोभी मंचूरियन वॉज अ सक्सेस, मतलब बहुत टेस्टी था और थोड़ा हेल्दी भी, क्योंकि ऑयल निकल गया था इसमें से। तो आज है डे 18 और हमारा न्यू वॉफल मेकर आ चुका है, तो इस वॉफल मेकर की शुरुआत हम करेंगे वेज पफ के साथ। किस किस को पफ्स अच्छे लगता है? वैसे तो आई डोंट थिंक कोई भी होगा जिसको पफ नहीं अच्छे लगते। तो मैंने ना दो वेज पफ लिए और दोनों को सर्कुलर से खोल दिया और एक दूसरे के ऊपर रख के वॉफल मेकर में डाल दिया, ठीक है। एंड ये ना बहुत ही जल्दी बन गया, मतलब कुछ 30 सेकेंड्स एंड इट वॉज़ रेडी। और इसकी शेप भी बहुत मस्त थी एंड ऊपर से क्रिस्पी और अंदर सब्जी सॉफ्ट थी। आई थिंक ये मेरा अभी तक का सबसे फेवरेट था इन टर्म्स। तो डे 19 ऑफ आर वॉफल चैलेंज के लिए मैं ना कल के लेफ्ट ओवर्स यूज़ कर रही हूँ, तो आई वेंट टू 0 degrees इन इंदिरा नगर, एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे कलरफुल बर्गर्स मिलते हैं और बच गए थे, कज़िन का टेस्ट कुछ खास नहीं था तो इसलिए मैं वापस ले आई और मैंने ग्रीन और येलो वॉफल्स बनाए। अच्छा, सबसे पहले तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे ये बताओ कि आपका फेवरेट कलर क्या है, और ना अगर आप बैंगलोर में हो तो आप 0 degrees ट्राई कर सकते हो, बस इनके ये स्लाइडर्स मत ट्राई करना, उनकी बाकी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। ठीक है, सी यू लेटर। आज है डे 20 ऑफ आर 30 डेज वॉफल चैलेंज और मेरे को ना खुद ही मेरे वॉफल मेकर पे तरस आ रहा है कि बेचारा बोल रहा होगा कि क्या क्या कर रही है मेरे साथ। एनीवेज, तो ना काजू कतली के इतने ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे थे, पहले मैंने सोचा कि चिपक जाएगा या ख़राब हो जाएगा, बट देख रहे हो मतलब वे बहुत बड़ा सा काजू कतली बन गया, काजू कतला, ठीक है। और इसको मैंने थोड़ी देर ठंडा होने रख दिया ताकि इसकी शेप सही आ जाए, एंड दिस वाज अ सक्सेस। टेस्ट भी काजू कतली जैसा ही था, जला नहीं। डे 21 पे हमने सोचा है कि अब जलेबी ले लेते हैं। वैसे पता है बैंगलोर में वो अच्छी जलेबी नहीं मिलती जो दिल्ली की होती है, और बैंगलोर में फूड कलर वगैरह भी डाल के बनाते हैं। अच्छा, अगर आप बैंगलोर से हो और आपको कोई जगह ऐसी पता है जहाँ पे जलेबी अच्छी मिलती है तो प्लीज़ मुझे बता दो, मेरा बहुत मन है ट्राई करने का। और ये जलेबी बहुत मस्त बन गई, मतलब साइड में चाशनी निकल रही थी बट फिर भी इसकी शेप आ गई एंड इसका टेस्ट भी काफ़ी मस्त था। ओके, अपने और भी सजेशंस दो। तो डे 22 आ गया है और मैं पूरा केक ही ले आई इस वीडियो को बनाने के लिए। वैसे ना ये हरविंदर का फेवरेट केक है, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा यूज़ कर लूँगी, बाकी उसको दे दूँगी, ठीक है। तो फिर मैंने ना ऊपर से इसकी फ्रॉस्टिंग हटा दी, क्योंकि मुझे ये पता था कि नहीं तो उससे ख़राब हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको खोला ना तो ये ऊपर की तरफ चिपक गया प्रॉब्ली, क्योंकि थोड़ी सी फ्रॉस्टिंग बच गई थी अपनी। पर इसको जैसे ही निकाला ना तो ये एकदम काले रंग का था और हरविंदर ऑलरेडी एक स्लाइस केक लेके भाग चुका था, बट ये ना हल्का सा जल गया तो ये नहीं। तो आज है डे 23 ऑफ आर 30 डेज वॉफल चैलेंज और हम बना रहे हैं चीज़ स्लाइसेस से, तो मैंने अमूल की चीज़ स्लाइस ली, ठीक है। अच्छा, इसके एंड में ना मैं इसको खाने नहीं वाली हूँ, बिकॉज मुझे ये वाले चीज़ स्लाइसेस का टेस्ट कुछ खास नहीं लगता, बट मेरी बहन को अच्छा लगता है तो मैंने उसको दे दिया और उसने टेस्ट करके बोला कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, बट वो थोड़ा कैमरा कॉन्शियस है तो वो वीडियो में नहीं आना चाहती थी। बट ये कुक होने के बाद बाहर से क्रिस्पी था और अंदर से काफ़ी गूई और चीज़ी। तो डे 24 ऑफ आर वॉफल चैलेंज इज़ कोको के नाम, मतलब उसको अंडे इतने पसंद है, अगर मतलब अंडे और चिकन दोनों चीज़ें अगर ये दोनों आसपास भी हो ना तो वो जंप करने लग जाता कि मुझे दे दो, मुझे दे दो। तो मैंने ना 2 eggs को लिया और मैंने ऐसे ही फोड़ दिया वॉफल मेकर के अंदर और कुक होने के बाद इतने आराम से निकल गया एंड इसका शेप वॉज अमेजिंग। और उसके बाद मैंने कोको को खिलाया, उसको भी काफ़ी अच्छा लगा एंड मेरे को शेप अच्छी लगी। तो आज है डे 25 ऑफ आर 30 डेज वॉफल चैलेंज और मैं यूज़ कर रही हूँ डोनट्स, जो मुझे एक नट्स एंड डेट्स की शॉप से मिला था चेन्नई में, और ये पैक डोनट्स है बाय द वे। और इसमें ना अलग अलग फ्लेवर्स रहता है, जिस वन इज़ चॉकलेट और वनीला भी था और स्ट्रॉबेरी भी था, और इनका टेस्ट ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, तो मैंने सोचा इसका वॉफल ही बना देती हूँ। मुझे लगा ये मस्त बनेगा। देख, यू वर राइट, अलग अलग कलर जैसा इतना अच्छा सा बन गया, पर इसका टेस्ट थोड़ा सा अजीब सा था, क्योंकि मेरे को डोनट्स नहीं अच्छे लगे तो उस डोनट का वॉफल कैसे अच्छा लगेगा।
Day 26 of our 30 days waffle challenge. और आज हम बनाने वाले हैं KFC का. By the way, बस 3-4 दिन बचे हैं चैलेंज कंप्लीट होने में. What do you guys think? Should we continue this challenge? या आई थिंक अब थोड़ा सा चेंज ऑफ कॉन्टेंट की ज़रूरत है. आप लोग को क्या लगता है? अच्छा, बाय द वे, आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन. आप लोग मुझे बताओ इफ यू अग्री विद मी कि KFC का वेज बर्गर इज़ बेटर देन मैकडोनल्ड्स का वेज बर्गर. What do you guys think? Day 27 ऑफ आवर वॉफल चैलेंज पे कुछ तो मीठा बनता ही है. तो हमने ना टाको बेल के चुरोस से बनाया, ठीक है. 4 पैकेट ऑर्डर करते हैं और एक सिंगल इज़ लाइक 69 रुपीज़ का, ठीक है. अच्छा, मुझे पता नहीं आपको वॉइस ओवर में सुनाई दे रहा है कि नहीं, बट मेरे घर के पास की हेंज या रूस्टर्स इतना शोर कर रही हैं, सुबह से सर दुख रहा है यार. बट वॉफल देख के खुशी हो रही है क्योंकि ये सक्सेसफुल था. इसके ऊपर चॉकलेट सिर्प डाली और इसमें ना वॉफल मेकर में डालने के बाद ये चुरोज में सिनेमन का टेस्ट ज़्यादा आ गया, जो मुझे पसंद नहीं आया, बट अदरवाइज टेस्टी था. Day 28 ऑफ आर 30 डे वॉफल चैलेंज में मैंने सोचा रसगुल्ला से बनाते हैं, बट आई लव रसगुल्ला सो मच के मेरा ना दिल टूट जाता अगर ये ख़राब होता है या इसका टेस्ट थोड़ा सा भी ख़राब हो जाता तो आई वुड लिटरली क्राई. पता है वाइल शूटिंग ऑल्सो मैं सोच रही यार रसगुल्ला छोड़ देता, किसी और चीज़ का बना लेता है. बट आई वॉज सो सरप्राइज जब ये बाहर निकला, मतलब टेस्ट करने पे भी रसगुल्ला जैसा था, बस ऊपर से चाशनी डाल लो. आई वॉज सो हैप्पी. इस बार आप लोग गेस करो कि किस चीज़ का वॉफल बनाया, ठीक है. तो मैंने सोचा क्योंकि अब बस Day 29 हो चुका है वॉफल चैलेंज का, तो आज का वॉफल और कल का वॉफल का थोड़ा अलग सा करता है. मतलब स्टार्टिंग में मैं आपको वॉफल दिखाऊंगी और आप गेस करना कि किस चीज़ का वॉफल है. वैसे तो 5 सेकंड में पता ही चल गया किस चीज़ का वॉफल है, बट फिर भी आप लोग मुझे बताओ कि शुरू करने से पहले डिड यू नो कि किस चीज़ का वॉफल बनाया. और इसका मतलब जो चॉको स्टिक्स थी, मैंने एक चॉकलेट और एक स्ट्रॉबेरी अल्टरनेट करा एंड ये सुंदर इतनी ज़्यादा लग रही थी एंड टेस्ट में भी काफ़ी अच्छी थी. तो आप ये ट्राई कर सकते हो, ठीक है. लास्ट डे हमें क्या बनाना चाहिए ये बता. चलो, यू हैव 3 सेकंड्स टू गेस. 3, 2, 1. ओके, तो ये था सफोला हुडल्स का वॉफल. तो आज है लास्ट डे ऑफ आवर वॉफल चैलेंज एंड थैंक यू सो मच, मतलब इस वॉफल चैलेंज को इतना सारा प्यार देने के लिए. मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि आप लोग को इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा, बट आई एम सो हैप्पी हमने ये चैलेंज करा और पूरे 30 डेज हमारे वॉफल्स बहुत अच्छे से बने. अच्छा चलो, वॉफल चैलेंज तो हो गया, अब आप लोग सजेस्ट करो कि नेक्स्ट 30 डेज चैलेंज किस चीज़ पर करना चाहिए. बाय बाय.